नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल। इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड पोखरी के सरमुला गांव में। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे एक जो पौराणिक भवन है, लगभग जो सक संवत 1969 है, 1967 और 1969 के बीच में यह मकान बना हुआ है। इनकी 7 पीढ़ियां हो चुकी है और 7 पीढ़ियों से भी आज ये जो मकान है इसको संजोए हुए हैं। इस पे जॉर्ज पंचम के समय से ही उनकी मूर्तियां यहां पर लगाई हुई है और साथ में जो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी उनके भी जो चित्र हैं वो यहां पर है। उस समय तमाम जो कालखंड, उस कालखंड में तमाम जो ऐसी चीज़ें होती थी उनका पूरा जिक्र आज भी इस मकान की जो चित्र हैं उसमें दिखाई देने को मिलती है। और जो सूबेदार चौहान जी यहाँ के थे उनके द्वारा इस मकान का जो निर्माण है उसको करवाया गया था। इस मकान पर लिखा गया है कि 1900 रुपये की जो लागत उस जमाने में होती थी वो इस मकान को बनाने में हुई है। अब देखना ये है कि जो हमारा पुरातत्व विभाग है वो उसका ध्यान किस प्रकार से इस पर आकर्षण का केंद्र बनता है और किस प्रकार से वो पूरी जो मकान की छानबीन है उसे करता है। लेकिन वास्तव में आज भी देखें जो इस प्रकार से जो पौराणिक शैली में जो घर बने हुए हैं कहीं ना कहीं ये आज भी जो ग्रामीण एरिया है यहाँ पर एक अलग ही सुकून जो है वो महसूस होता है। ब्लॉक मेरा पोखरी है, ये मकान जो है मेरे बूढ़ा श्री जवाहर सिंह चौहान ने बनवाया है और इसमें 7 पीढ़ी हमारी हो चुकी है। इसमें पत्थर की खिड़कियाँ हैं और इसमें 13-14 फीट के छज्जा है एक पत्थर, और इसमें पुरातत्व विभाग जो है अपनी जांच करवा सकते, इसमें कोई चित्रों से कोई चीज़ वो समझ सकते हैं। अंदर हमारे को सर्दी में गर्म है जी और आजकल ठंडे हैं अंदर